Speaking exclusively to Northeast Life, Assam BJP President Ranjit Das said that the party is fighting the polls on the agenda of security and development. Das also dismissed reports of dissatisfaction within the party camp over allotment of tickets. Meanwhile, Das also informed that the Assam BJP's list for the third phase will be out on March 13.

हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रंजीत दास आपका स्वागत है और ये भाजपा का इस बार तो एजेंडा क्या है एजेंडा है सुरक्षा और विकास क्योंकि पहले असम में जो सुरक्षा का नाम में कुछ काम नहीं हुआ था इतना हत्याकांड हुआ था एक्सट्रशन हुआ था किडनैप हुआ था लेकिन भाजपा का सरकार आने का बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकार आने के बाद दो हज़ार चौदह सन से 2014 से धीरे धीरे शांति प्रतिष्ठा हो रहा है फॉर एग्जाम्पल जो बी में बी में तो हर सप्ताह में आदमी मरता था लेकिन राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर होने के बाद खुद आकर के ऑल क्लियर ऑपरेशन डिक्लेयर किया है जो एन डी एफ के अगेंस्ट में बाद में क्या हुआ वो धीरे धीरे शांत हो गया है आसाम पर पहले कांग्रेस जब रहता था कांग्रेस रहने से जो भारतीय घाटी संघर्ष को होता था रिलीजियस संघर्ष को होता था वो तो कांग्रेस के का ज़माने में होता था लेकिन भाजपा का सरकार आसाम में आने के बाद आज तक किसी ऐसा घटना नहीं हुआ है नंबर टू है जो विकास कांग्रेस का ज़माना में सिक्सटी ईयर्स में उन्होंने छः मेडिकल कॉलेज बनाया मेरा सरकार ने पाँच साल में ग्यारह मेडिकल कॉलेज इंक्लूडिंग एम्स एम्स जैसे मेडिकल भी आसाम में हो गया है अभी तो ये पाँच साल में अब देखिए सिक्सटी ईयर्स में से मेडिकल कॉलेज पाँच साल में है मेरा ग्यारह मेडिकल कॉलेज ऐसा करके जो घुसपीटी आने का जो रास्ता था जो बॉर्डर ओपन था मेरा सरकार आने का बाद बॉर्डर सील हुआ पहले तो अखबार में ट्रिफी में देखता है फिफ्टी घुसपीति को पकड़ा या चालीस घुसपीटियों को पकड़ा है लेकिन अभी ऐसा रिपोर्ट नहीं आता था पहले क्या होता है जो गेंडा को जो मारता मारा देता है इधर राइनो को तो अभी वो बंद हो गया है पहला मेरा जगत गुरु श्रीमती शंकर देव ने जो प्रतिष्ठा किया था शत्रो और स्पेशल जो इंस्टीट्यूट होता है और कल्चरल इंस्टीट्यूट एज वेल एज द रीजनल इंस्टीट्यूट वहीं पर भूमि पर जमी पर हमला होता था वो बेदखल होता था अभी हम लोग का सरकार ने बेदखल मुक्त है और ये टिकट बंटवारे को लेकर देखा गया दिल्ली में कई दौर की बैठकें हुई और बैठ उ, उसके बाद जो बीजेपी की पहली सूची आई उसमें 11 जो सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट काटा का गया या फेरबदल हुआ तो इसको किस आधार पे आप लोगों ने सीट ब, मतलब टिकट का वो बंटवारा किया बंटवारा तो पहले तो है हम लोग का जो राय सुनारी हुआ है असम लेवल पर और जो जनता का जो आवास का जो सर्वे हुआ था राष्ट्रीय स्तर पर वही देख कर के हम लोग का ये सिस्टम क्या है और पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ कर के सूची फाइनल क्या है इसमें निश्चित तो रूप से ग्यारह एम को अदल बदल अद बदल हुआ नहीं तो टिकट नहीं मिला है लेकिन ये बात हम लोग के लिए बड़ा बात नहीं है जो टिकट नहीं मिला है उनके लिए बड़ा बात हो सकता है लेकिन भाजपा का जो आदर्श है वो क्या व्यक्ति का भाव में नहीं चलता है व्यक्ति का ऊपर देख कर के पार्टी नहीं चलता है कि तो अगर सभी लोगों को इलेक्शन लड़ाएगा तो नया कार्यकर्ता ऐसा सेंस मिलेगा पिछले लोकसभा में क्या हुआ है मोर देन नाइन्टी एम को सेंस किया है तो ये सेंस करने के बाद नया नाइन्टी एम आया है नहीं तो नया आदमी नहीं आएगा तो कांग्रेस जैसे ऐसा होगा तो यही पर भाजपा पर नहीं होता है ये तो सब ये निश्चित रूप से सेंस करता है और इसका परफॉर्मेंस के आधार नहीं जो उनका परफॉर्मेंस खराब है इसके आधार पर नहीं जी नहीं उधार पर सेंस क्या है लेकिन और कौन है पीछे में कौन है उनको आगे लाना है क्योंकि अच्छा कार्यकर्ता बनना है ये जो एम होता है तो ये तो हम लोग नहीं देखते जो एम होता है कि बड़ा नेता है जी वो कार्यकर्ता का आगे बढ़ाता है ये तो पार्टी का नियम है इसलिए इसमें कोई असंतुष्टि कुछ टाइम रह सकता है लेकिन सभी बीजेपी कार्यकर्ता डेडिकेटेड कार्यकर्ता और अल्टीमेटली उन लोग भी काम पर लगेगा और देखा गया है कि टिकट से वंचित और कई नेता और उन आपके भाजपा के कार्यकर्ता नाखुश है और कई जैसे गोलाघाट में बिटूपन शइकिया उन्होंने वो अब भाज कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं तो ये जो भाजपा कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है या जो नेता जो टिकट से वंचित रहे हैं तो उस उनके बारे में क्या कहेंगे जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता होता है वो हो तो कांग्रेस में नहीं जाता है क्योंकि एमपी पी नाइनटी एम पी को टिकट नहीं मिला है उन लोग तो कांग्रेस नहीं चला गया जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता है वो लो लोग पार्टी में है क्योंकि एम का टिकट मिलना है ये हम लोग के लिए बड़ा बात नहीं है अच्छा करके देश सालन है देश को रक्षा करना है राज्य को रक्षा करना है जो हम लोग देखिए हम लोग का जो बात बोलता है जो हम लोग पावर के लिए नहीं आता है हम लोग जब शासन में आता है पावर के लिए खमसात के नहीं आता है देश निर्माण के लिए आता है तो इसीलिए राज्य निर्माण के लिए हम लोग आया है इसीलिए कोई नाखुश हो सकता है बाकी जो नाखुश या जो कार्यकर्ता है आज हम विनती किया है बाई तो थ्रो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको बोला है जी ऐसा होता है लेकिन अगले दिन देश निर्माण करना है एन को जिकाना है और जो पार्टी का रद बदल हुआ है वो तो भाजपा है वो भी तो भाजपा है जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता है वो तो फिर काम से लग जाएगा हम लोग का जो इधर में तो डैमेज कंट्रोल का कोई सवाल नहीं क्योंकि ऐसा डैमेज नहीं हुआ आज एक कार्यकर्ता चला गया कांग्रेस में लेकिन तब तो भी हम बुलाए गोलाघाट निश्चित रूप से हम लोग जिकाएगा अभी जो बीजेपी की पहली सूची आई है उसमें सत्तर उम्मीदवारों के नाम थे और बाईस उम्मीदवारों के नाम आने हैं दूसरी सूची में तो ये कब तक आएंगी बारह तारीख तेरह तारीख पार्लियामेंट्री बोर्ड का मीटिंग है और तेरह तारीख पार्लियामेंट्री बोर्ड का एक ठाठ चरण का सूची डिक्लेयर होगा इस बार सूची इस बार भी दिल्ली से ही घोषणा होगा नहीं परंपरा है जो पार्लियामेंट्री बोर्ड अप्रूव कर रहा है हम लोग राय सुनवाई लेकर के हम लोग का इलेक्शन कमेटी का बैठक करके उधर में जो पैनल बना लेता है और पैनल बनाने के बाद जो पार्लियामेंट्री का बैठक का पहले जो राय सुनरे का क्या, क्या राय है क्या व्यू है राय के ने जो जनता की आवाज़ की कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में दस हज़ार लोगों के बातचीत किया है तो उधर में रेटिंग क्या है और रेटिंग देखने के बाद है टिकट फाइनल होता है और उसका बाद ए पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अप्रूव करता है और ये जो भाजपा के चुनाव प्रचार के बात करें तो ये कब से शुरू हो रहा है और कौन कौन से चेहरे हमको चुनाव प्रचार में देखने को मिलेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई निश्चित रूप से रहेगा हमारा गृह मंत्री अमित शाह जी रहेगा राजनाथ सिंह जी रहेगा उसका बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा नड्डा जी रहेगा स्मृति ईरानी जी रहेगा ऐसा करके कुछ पैनल आया है और उनका डेट भी फिक्स्ड हो गया है डेट भी फिक्स्ड हो गया है और कोई कोई जो बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं हाँ योगी आदित्यनाथ भाई आने का बात हम लोग सुन रहा है उनका भी प्रोग्राम फिक्स्ड हो गया है वो जाए नेटो तो में उन लोग का प्रोग्राम होगा